जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ, जैसे मैंने पहले बताया है कि आज की जो रेमेडी होने वाली है 100% ऑर्गेनिक और बहुत ही सिंपल रेमेडी जो आपके ओपन पोर्स पे बहुत अच्छा वर्क करेगी। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने ली है उल्तानी मिट्टी। अगर आपके पास पीसी हुई उल्तानी मिट्टी है तो वो भी चल सकती है, नहीं तो आप साबुत, एक पूरी इस तरीके से मुल्तानी मिट्टी आती है साबुत, उसको पीस ले इस तरीके से, वो बहुत ज्यादा अच्छी रहती है स्किन के लिए, बिल्कुल नेचुरल। इसके अंदर आपको ऐड करना है गुलाब जल, और आप चाहे तो दोस्तों इसके अंदर अपना फेवरेट टोनर भी ऐड कर सकते हैं, जो टोनर आपकी स्किन पे अच्छे से सूट होता हो और अल्कोहल फ्री हो तो आप वो वाला टोनर भी यूज कर सकते हैं। और इसीलिए मैंने गुलाब जल लिया है जो ओल्ड स्किन टाइप पे काम करेगा। तो अब इसके अंदर हम अभी इस मात्रा में डाल देते हैं गुलाब जल, जिससे इसका एक अच्छा सा पेस्ट तैयार हो जाए। और अब ये बिल्कुल पेस्ट तैयार है आपका मुल्तानी मिट्टी और रोज वाटर का, बिल्कुल ऑर्गेनिक। आप दोस्तों अपने फेस पर इसको पूरा फेस वॉश करके अच्छे से अपने फेस पर इसको आप इस तरीके से अप्लाई करें, लगा के आप इसको पूरे फेस पर एक थिक लेयर 5 से 7 मिनट छोड़ दे सेमी ड्राई होने तक, और फिर हल्के हाथ से मसाज करके आप इसको उतार दें, और फिर ठंडे पानी से साफ करके धो के चेहरे पर मॉइस्चराइजर जरूर अप्लाई करें, टोनर मॉइस्चराइजर। और इस रेमेडी को आप हफ्ते में कम से कम 3 बार लगाएंगे तो जो आपके ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे वो कम होनी शुरू हो जाएगी, आपके पोर्स मिनिमाइज हो जाएंगे। तो फर्स्ट रेमेडी ये है, चलिए शुरू करते हैं दूसरी रेमेडी। दूसरी रेमेडी भी दोस्तों इसी तरीके से, मैंने एक टमाटर को अच्छे से धो के और उसको बीच में से कट कर लिया है, और अंदर से दोस्तों हमें इसका इस तरीके से इसका ये रस निचोड़ लेना है। 1 से 1.5 चम्मच आसानी से इस तरीके से इसका रस निकल आएगा। और अब इसके अंदर हमें ऐड करना है 1/2 कटा हुआ नींबू, उसको भी आप इस तरीके से निचोड़ लें। अब इन दोनों चीजों को इस तरीके से आप मिक्स करें, और इस तरीके से आप इसको मिक्स करके अच्छे से किसी कॉटन की सहायता से अगेन ऐसे ही फेस वॉश करके आप अपने फेस पर लगा के छोड़ सकते हैं दिन में कम से कम 2 बार। कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं होगा, स्किन के लिए बहुत अच्छा काम करता है हमारे पोर्स को मिनिमाइज करने में, और बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। आप इसको बना के ऐसे रख सकते हैं 2 से 3 दिन फ्रिज में स्टोर करके, 2 से 3 दिन आप ये वाला कम से कम 2 दिन तो इसको आप यूज कर सकते हैं 3 दिन तो, फिर आप फ्रेश बना के इस तरीके से रात को सोते हुए 5-7 मिनट लगा लें और फिर अपना फेस वॉश करके आप सो जाएं, तो ये भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपके पोर्स को मिनिमाइज करने में। अब चलते हैं अपनी थर्ड रेमेडी पे। तो थर्ड रेमेडी में दोस्तों मैंने इस तरीके से अपनी ग्रीन टी को उबाल लिया है। आपके पास ग्रीन टी ऑर्गेनिक हो तो बहुत अच्छा है, तो इस तरीके से ऑर्गेनिक ग्रीन टी को उबाल के मैंने ठंडा कर लिया है। जैसे कि मैंने बोला है कि ग्रीन टी का अगर हमें इसके आइस क्यूब्स बनाने हैं, बस फ्लेवर वाली ग्रीन टी ना हो, ऑर्गेनिक कोई भी ग्रीन टी को आप उबाल के अच्छे से छान के इस तरीके से उसका पानी आप निकाल लें, और आप दोस्तों उसको इस तरीके से अपने आइस क्यूब में, अपनी आइस ट्रे में इस तरीके से डाल के आप इसको फ्रीजर में जमा ले। बहुत ही बढ़िया आपके ग्रीन टी के जो आइस क्यूब्स रेडी होने वाले हैं ना, इनसे आपके ओपन पोर्स को बहुत ज्यादा कम करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। हफ्ते में आप 1 बार 2 बार 3 बार किसी भी तरीके से आप इस वाले क्यूब्स को अपने फेस पे यूज करेंगे, क्योंकि एक तो ये बहुत जल्दी रेडी हो जाते हैं। एक बार आप पूरा इस तरह से आइस ट्रे भर लीजिए और कम से कम आपका 1 हफ्ते के लिए काम हो जाएगा। आप सोते हुए दिन में 2 बार भी आइस क्यूब अपने फेस पर ट्राई करते हैं फेस वॉश करने के बाद, जैसे मैं हमेशा बता रही हूँ, उसके बाद आप आइस क्यूब 4 से 5 मिनट अपने फेस पर रब करें 1 बार 2 बार, तो आपको बहुत ज्यादा अमेजिंग रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो तीनों रेमेडी जो मैंने आपसे शेयर की है वो 100% ऑर्गेनिक है और बहुत ही अच्छे तरीके से फेस पर हमारे वर्क करती है। और दोस्तों साथ ही साथ आप अपना जो स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हैं, अगर करते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं करते हैं तो जरूर आप स्टार्ट कर दीजिए आफ्टर 20 ही, क्योंकि अगर आप फेस को अच्छे से क्लीन करेंगे, फेस को आप टोनर करेंगे और मॉइस्चराइज लगाएंगे और बाहर जाने से पहले सनस्क्रीन लगाएंगे, तो कुछ प्रॉब्लम तो उससे रिड्यूस हो जाएगी और बाकी की प्रॉब्लम जो रेमेडी मैं आपसे शेयर करी है उनसे हो जाएगी। तो आज मैंने
जो बेस्ट 3 रेमेडी ओपन पोर्स के लिए दोस्तों आपके लिए शेयर की है, तो आप प्लीज मुझे वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि आज वाली रेमेडी आपको कैसी लगी है। और रेमेडी अगर आपको पसंद आई है, आपके ऊपर वर्क कर रही है, तो प्लीज मेरी वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।